जो सागवान भामरागढ़ गढ़चिरौली जिले का सागवान पूरा ऑल इंडिया या वर्ल्ड में भी चला जाता है, वो सागवान का रक्षा कौन किया? आज यहाँ चंदन बिकता है, लेकिन ये चंदन वहां नहीं मिलता है, वो सागवान चंदन से भी ज्यादा है। जहां पे तुम्हारा सोफा, पलंग, टेबल, कुर्सी, जो भी डाइनिंग टेबल्स है, उसका रक्षा कौन किया? तो वोटर कहां पे है? वोटर होते हैं वो गांव में, गली में। उनको हम चुन के देते हैं, तब वो आमदार, खासदार, मंत्री, संतरी या दुनिया हमका ढमका सभी कुछ ये हो जाता है। जब उस गांव में जहां बड़े बड़े पहाड़ है, जिस जमाने में पहले अंग्रेज लोग रहते थे, तब हमारे आदिवासी औरतें जो सुंदर होती थी उनके ऊपर अत्याचार होता था जब वो गोद लेते थे। आज मशीन में यहाँ यहाँ गुदवा जाता है, क्या क्या बोलते हो। तो उस जमाने में हमारे औरतें पूरा गोद लेती थी, मतलब पूरा चेहरा को नक्शा बदलती थी। आज भी कुछ औरतें उसमें से जिंदे हैं। आज भी हमारे पास कुछ पुराने जमाने के औरत है जो उनके बदन में कपड़ा नहीं होता है, स्त्री के ऊपर यहां से यहां तक बस इतना एरिया में कपड़ा होगा, एक टॉवल होगा, दूसरा जो छोटा वाला टॉवल होगा यहां से यहां लपेटते हैं। आज भी वो स्थिति आज भी हमारे पास है। जो पहले यहां मशीनें थी, यहां कपड़ा होता था हमारे पास, चमड़े से ढक दिया जाता या बड़ा बड़ा केले के पत्ते जैसे, झाड़ के पत्ते से हमारे पहले के पूर्वज थे। आज कम कपड़े से भी हम लोग जीते हैं, लेकिन वही जंगल से हम लोग आज भी बिलोंग करते हैं। यहां तो सागवान नहीं है, हमारे जंगल का सागवान कहां बिकता है? जो सागवान भामरागढ़ गढ़चिरौली जिले का सागवान पूरा ऑल इंडिया या वर्ल्ड में भी चला जाता है, वो सागवान का रक्षा कौन किया? आज यहाँ चंदन बिकता है, लेकिन ये चंदन वहां नहीं मिलता है, वो सागवान चंदन से भी ज्यादा है। जहां पे तुम्हारा सोफा, पलंग, टेबल, कुर्सी, जो भी डाइनिंग टेबल्स है, उसका रक्षा कौन किया? वही गरीब आदिवासी, जहां आज अभयारण्य बोला जाता है, ग्लोरी ऑफ इंडिया, ग्लोरी ऑफ आलापल्ली, ये सब चीज वहां बताते, बड़े बड़े बोर्ड लगा के, वो जंगल को हमने, हमारे पूर्वजों ने बचाया, जो पहाड़ को हमारे पूर्वजों ने बचाया, जिस जल जंगल जमीन को हमने बचाया, आज इन लोग बैनर लिख के देते हैं कि भाई ये हमने बनवाया। ये तुम्हारे दिल्ली में होगा, जो झाड़ आज हमारे पास फल लग के है, वो झाड़ आज यहाँ हरा भरा है। जो झाड़ वहां पे एक भी पत्ता नहीं है, पूरा पत्ता गिर चुका है, फल फूल लग गया, वो झाड़ में आज भी पत्ता पूरा, रोज पानी देते हो ना, हाथ का है, मोटर का है। हमारे पास ऐसा करने से भी पानी आता है नेचुरल। हमारे यहाँ पे 12 महीने हमारे पास झरने होते हैं, बटन मारने की जरूरत नहीं, इतना ठंडी हवा है। वो ठंडी हवा आपके जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे लोग वहां PhD करने हैं, पता नहीं क्या क्या लिख के देते हैं आदिवासी के बारे में, उस जंगल के बारे में। बहुत ऐसे चीज है। हमने आज यहाँ पे पूरा स्कूलों को अच्छा किया बोल के वहां पेपर में आता है। यहाँ पे दिल्ली में जो स्कूल्स है, जिला परिषद शासन सरकारी स्कूल है, वो आज प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग पहली से सातवीं तक, चौथी पांचवी तक या दसवीं तक के, आज भी हमें रास्ता नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास फैंस नहीं है, हमारे पास कूलर, एसी, टेलीविजन कुछ भी नहीं है, पर भी हम लोग वहां जीते हैं ना। जब हमारी बात, हमें डेवलप करना है ये दिल्ली सरकार या भारत सरकार को, तो ये भारत सरकार यहां से क्या मशीन में देखती, वहां पर वो जंगल में क्या, वो आदिवासी क्या चाहिए? इन लोग कभी नहीं पूछा हमें। उसी हिसाब से हमारे गांव में पुलिस थाना बिठाया है, तो किसे पूछना चाहिए? वहां का पटेल सरपंच को पूछना चाहिए या नहीं? वो गांव के ग्रामवासी है कि जितने गांव में पुलिस थाना भेजेगा, उनको 4 या 5-10 गांव के अंडर में वो पुलिस थाना होना चाहिए, उस हिसाब से उन गांव वालों को पूछना जरूरी है। जैसे 2007-8 से जितने भी जगहों पर हम लोग अतिक्रमण किए, उन्हीं जगह का हमको पट्टा मिल रहा है। अभी जो उसके पहले का जो अतिक्रमण किए थे, तो फॉरेस्ट वाला हमको कुछ भी नहीं कर दिया। हमारे पास आज भी 25-30 एकड़ जमीन है, वो जमीन हमारे दादा परदादा ने काटा है, उस जमीन में हम आज तक बो रहे, उसमें फसल उगा रहे, लेकिन आज भी उसका कहीं पे रामा गोमा तीमा ने यहाँ जमीन काटा है, यहाँ धान के लिए जो भी फसल के लिए काटा है, उसका अभी तक
नोंद नहीं, लिखा नहीं गया, ना महसूल मंडल ने किया ना फॉरेस्ट लोगों ने किया। तब हमारे लोग इसलिए डरते थे प्योर करने से हमको जेल जाना पड़ेगा। जिस लैंड को हमने काटा है खेती के लिए, उस लैंड को बोना है, कुछ भी करना है, फॉरेस्ट वाले भी उसका कहीं पे एंट्री नहीं किए, इसलिए आज वो किसान आज भी 100 साल से आगे से जिस जमीन को वो जिस जमीन में काम कर रहा है उसके 4-5 पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन उसको आज तक वो जमीन में उसका दादा परदा ने किया बोल के लिखित में कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स में नहीं। जब हमारे गांव में जितना जमीन का हमको पट्टा मिल जाता है, मतलब 5-10-15-100 एकड़ का हमको हर गांव को पट्टा मिला है। भामरगढ़ तहसील में 109 गांव को गांव वालों को 1 हक का पट्टा मिला है। मतलब वो गांव में जो भी करेंगे गांव के अंदर डेवलपमेंट, वो हम बताएंगे किनको, गवर्नमेंट को हम बताना चाहिए, ग्राम सेवकों को हम बताना चाहिए कि यहां से नाली बनाना है, वीडियो को हम बताएंगे यहां से हमको सीसी रोड बनाना है, वहां मुरुम डालना है, वहां क्या करना है हम बताएंगे ना। अब कोई पूंजीपति व्यक्ति, एक ठेकेदार व्यक्ति लोकेशन किनको देता है? आमदार, खासदार और जेडपी मेंबर को या सीओ को। मतलब जो पूंजीपति लोगों के ऊपर ही वो सीसी रोड बनता है। हमको नहीं चाहिए, हम रोड रोक दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, यहां नहीं, हमें वो जमीन को डेवलप करके दीजिए, हमें शिक्षा के लिए अच्छा वाला स्कूल चाहिए, हमारे स्कूल में लाइट नहीं, बिजली नहीं, हमारे स्कूल में टीचर अच्छा वाला नहीं, 25 बच्चे को एक टीचर क्या क्या पढ़ाएगा, वहां रोड नहीं, सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है, लाइट और विकास करने जाते हैं किनके लिए, ठेकेदार, कॉर्पोरेटर, पूंजीपति। मतलब आज की गवर्नमेंट टोटल पूंजीपति के लिए काम करती है। वो बताएंगा तब वो इनको एस्टीमेट बनाएंगे, वो बताएंगे तब इनको जाके वो फॉरेस्ट वाला भी वहां जाके मतलब ठेकेदार बताएगा कि इनको, बड़े साहब बताएंगे फॉरेस्ट गार्ड को, तब वो फॉरेस्ट गार्ड जाके हमारा वहां का जंगल का एस्टीमेट बना के उनको बारीक में लिख के भेज देता है। पूरा चोरी छिपी वाला काम चल रहा है, ये काम पूरा इलीगल है। हर जगह में जहां भी हम लोग 2019 में, मैं नेलगुंडा क्षेत्र में, लालसू जी भी नेलगुंडा क्षेत्र में, हम लोग उस क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं। मतलब उस क्षेत्र से जहां से मेरा कोई ब्लड का या मेरा कोई जान पहचान का रिश्तेदार नहीं था, खाली समाज सेवा काम के वास्ते लोगों ने मुझे खड़ा किया, बगैर पैसे से मुझे चुन के दिया। इसलिए उस एरिया में जब 2019 में दो आदिवासी को इनकाउंटर किए नक्सल, उसके लिए जिस दिन आंदोलन हुआ पब्लिक आके रास्ते पर बैठी, मैं भामरागढ़ थाने से सामने से निकल रहा था, थानेदार लोग मुझे दिन भर, जब तक वो आंदोलन खत्म नहीं तब तक पुलिस ने मुझे छोड़ी नहीं। दूसरी बार फिर आंदोलन करने लगे, दूसरी बार भी मुझे रात के 3:30 बजे उठा के लेके जाती है थाने में, दिन भर बिठा देना, पब्लिक जाने के बाद फिर रिटर्न लाना। उसके बाद जब आमदार लोग आते हैं, हम बड़े 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 अधिकारी आते हैं जिला लेवल से, उन लोग आने के बाद ये कुछ ना कुछ इन लोग लिख के उनको दे देंगे बोल के, लालसू जी वहां का जो भी पब्लिक के साथ में बिलोंग करते उन लोगों को पकड़ के रात के 3 बजे हो 2 बजे और रास्ते में मिले या घर में मिले या किसी का घर में भी मिलने के बाद उन लोगों को पकड़ के बाहर जाना, बाहर रख देना चाहिए, उधर से लाने के बाद में हाथ में थमा देना चाहिए, क्या चीज, मतलब आपको इस धारा के तहत है, आप लोग को पूछताछ के लिए हम लोग पकड़े हैं। जब मुझे पकड़ना है तो पहले मुझे नोटिस दे के पकड़ना चाहिए। जब एक शिक्षित सुशिक्षित जो पदाधिकारी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो गरीब किसान के साथ क्या होता होगा। ये सब चीज हमारे साथ हो रहा है, चाहे झारखंड का आदिवासी रहे, चाहे छत्तीसगढ़ का रहे, चाहे महाराष्ट्र का रहे, हर आदिवासी के साथ यही सब अन्याय हो रहा है। ये अन्याय को आप खोजे परखे और इस अन्याय के ऊपर हम लोगों के लिए साथ दोगे बोल के हम लोग हमारी आवाज को आप ये दिल्ली से फिर रिटर्न गली तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। इसलिए मेरी ये दो शब्द यही विराम करता हूँ। जय सेवा, जय जवान, धन्यवाद।